बाइबल की भविष्यवाणियां आज हमारे समय में जिस प्रकार से पूरी होनी आरंभ हो चुकी हैं, कलीसिया इतिहास के 2000 सालों में बाइबल की भविष्यवाणियों को कभी भी मसीहों ने इस प्रकार से पूरा होते हुए नहीं देखा है। और बाइबल की भविष्यवाणियों ने पिछले साल अक्टूबर के महीने से इस प्रकार से तेजी के साथ पूरा होना शुरू कर दिया है कि हमको अब इस बात के प्रमाण देखने को मिल रहे हैं, इस बात के चिन्ह हमको देखने को मिल रहे हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट आ गया है। और बाइबल के अंदर अंत के दिनों के लिए जो भविष्यवाणियां दी गई हैं, वो भविष्यवाणियां आज पहली बार कलीसिया इतिहास में हमारे समय में आकर के इतनी तेजी के साथ पूरी हो रही हैं कि एक साधारण मसीही जब इन बातों को समझता है, जानता है, तो वो हैरान हो जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर आज मध्य पूर्व के अंदर, इज़राइल के अंदर और ईरान के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान, गाजा के अंदर किस प्रकार से उन प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है जो कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा हजारों हजार साल पहले कही गई थी। और आज ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जो खबरें हम न्यूज चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर जिन खबरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जिन खबरों को हम देख रहे हैं, उन खबरों के बारे में बाइबल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा कैसे हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी, आज उसकी एक और झलक हम बाइबल के अंदर से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जकरिया भविष्यवक्ता की एक भविष्यवाणी को पढ़ लेते हैं और वहीं से ही हमारे आज के इस प्रोफेसी अपडेट को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जकरिया उसका 12 अध्याय और उसके दूसरा और तीसरा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक क्रिप्टिक प्रोफेसी, एक उलझी हुई भविष्यवाणी जो है वो जकरिया के द्वारा प्रदान की गई थी। वहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों यानी चारों ओर के सब देशों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यानी पृथ्वी के सारे देश यरूशलेम के विरोध में इकट्ठे होंगे, और मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे बहुत ही घायल होंगे। तो जकरिया ने 2500 साल से भी पहले इस भविष्यवाणी को यरूशलेम के विषय में किया था, और जकरिया ने इस बात को बताया था कि अंत के दिनों में परमेश्वर यरूशलेम को एक मद का कटोरा या मदिरा का कटोरा बना करके रख देगा, और जितने भी देश हैं जो यरूशलेम के आसपास हैं और पूरी पृथ्वी के जो देश हैं वो उस मदिरा को पी लेंगे और वो यरूशलेम के कारण लड़खड़ाएंगे, यरूशलेम के कारण मदहोश हो जाएंगे, और जो यरूशलेम के ऊपर हाथ डालने का प्रयास करेगा, परमेश्वर ने कहा था, जो उसको उठाने का प्रयास करेगा मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो यरूशलेम के खिलाफ आएगा वो अपने आप को घायल करेगा। जिस प्रकार से एक शराबी जो होता है जब वो शराब के नशे में मदहोश हो जाता है तो वो कहाँ गिर रहा होता है, उसको कितनी चोट लग रही होती है, वो किससे पिट रहा होता है उसको समझ में नहीं आता है, उसी प्रकार का हाल जो है वो अंत के दिनों में दुनिया के देशों का और ख़ास तौर से यरूशलेम के आसपास बसे हुए देशों का यरूशलेम को लेकर के हो जाएगा। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा आज हो रहा है, पूरी दुनिया के देश जो हैं वो यरूशलेम को लेकर के उसी तरह से मदहोश हो रखे हैं जैसे कि एक शराबी शराब पी करके मदहोश हो जाता है। वो किसी भी तरह से यरूशलेम को पाना चाहते हैं और उसके लिए चाहे वो घायल हो रहे हैं, चाहे वो पिट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यरूशलेम के लिए जो मदहोशी उनके अंदर है उसको वो नहीं छोड़ना मांग रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात बताई हुई है, यहाँ पर तीसरे वचन के अंदर लिखा हुआ है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियाँ यरूशलेम के खिलाफ जो हैं वो जमा होंगी या इकट्ठी होंगी, और आज बिल्कुल ऐसा का ऐसा देखने को मिल रहा है। चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर भी दुनिया के सारे देश
यरूशलेम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, और चाहे मध्य पूर्व के देश हों वो यरूशलेम को घेर करके यरूशलेम को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी जो है कि परमेश्वर दुनिया के देशों को वो मदिरा पिलाएगा जिसके कारण वो यरूशलेम को लेकर के मदहोश हो जाएंगे। लेकिन इसी भविष्यवाणी को थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेट करके या उसको और ज्यादा विस्तार से यर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है कि स्पेसिफिकली ये मदिरा जो होगी, जो यरूशलेम को लेकर के दुनिया के देशों को मदहोश कर देगी, ये स्पेसिफिकली किन किन देशों को और किन किन लोगों को पिलाई जाएगी, उसके बारे में यर्मिया भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक के अंदर बताया है। यर्मिया उसका 25 अध्याय को यदि हम देखें तो यर्मिया उसका 25 अध्याय और उसके 15 और 16 वचन को मैं सबसे पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर यही भविष्यवाणी जो जकरिया ने की थी उसी भविष्यवाणी को थोड़ा इलेबोरेट करके यहां पर यर्मिया के द्वारा बताया गया है। यहां पर क्या लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों यानी देशों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। परमेश्वर की वो दाख मधु जो है, जो परमेश्वर के कटोरे में या प्याले के अंदर है, जिसको परमेश्वर ने यर्मिया को कहा कि दुनिया के देशों को जाकर के वो पिला दे कि वो यरूशलेम को लेकर के बावले हो जाएंगे, वो लड़खड़ाएंगे, वो पिटेंगे, वो मरेंगे, लेकिन वो यरूशलेम को लेकर के अंत के दिनों में बावले हो जाएंगे। साथ ही साथ यर्मिया की पुस्तक का ये 25वां अध्याय जो है, इस 25वें अध्याय के 17 से लेकर 26 वचनों को यदि आप पढ़ें तो वहां पर स्पेसिफिकली इस बात को बताया गया है कि किन किन देशों के लोगों को ये मदिरा जो है, यरूशलेम को लेकर के जो भविष्यवाणी की मदिरा है, दंड की मदिरा है, वो किन किन देशों को पिलाई जाएगी। और सबसे पहले ये मदिरा जिसको पिलाई जाएगी, जो लोग यरूशलेम को लेकर के सबसे ज्यादा बावले हो जाएंगे, पहला नाम यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर बताया है 18वें वचन के अंदर लिखा है। सबसे पहले यर्मिया को परमेश्वर ने कहा था मदिरा किसको पिलाना, यहां पे लिखा है यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाना। यानी कि सबसे पहले यरूशलेम को लेकर के ये मदिरा जो है वो यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था। और आज हम देखते हैं कि यरूशलेम को लेकर के सबसे ज्यादा पागलपन जो है वो यहूदियों के सिर के ऊपर ही सवार हो रखा है। वो उन्होंने यरूशलेम को अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है कि किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए वो यरूशलेम को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो सबसे पहले यरूशलेम को लेकर के यहूदी जो हैं वो बावले हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, उनके ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दूसरे देशों से हमले हो रहे हैं, वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते खड़े होकर के अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यरूशलेम को छोड़ना नहीं मांग रहे। उसके बाद इन्हीं वचनों को जब आप 26वें वचन तक आगे पढ़ें तो वहां पर दूसरा नाम जो है वो मिस्र का बताया गया है। और आज आप देख सकते हैं मिस्र जो है वो हमास और इज़राइल के युद्ध के अंदर मिस्र जो है वो बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, संधि कराने का प्रयास कर रहा है, वो फिलिस्तीनियों का पक्ष लेने के लिए मिस्र जो है तत्पर तैयार खड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद ऊज देश का नाम यहाँ पर आया है। ऊज जो है वो सऊदी अरेबिया का क्षेत्र के अंदर बाइबल के ज़माने में आया करता था, तो यहाँ पे सऊदी के बारे में बताया हुआ है। हम देखते हैं कि वो मदिरा जो है वो सऊदी ने भी पी हुई है, क्योंकि यरूशलेम जो है वो सबको चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिकली यहाँ पर पैलेस्टीनियंस का नाम आया है। 20वें वचन को आप देखें तो वहां पे लिखा है और फिलिस्तीनियों के देश के सब राजाओं को भी ये मदिरा पिला, ये दाक मधु पिला, और अश्कलोन और गाजा, गाजा का नाम स्पेसिफिकली परमेश्वर ने लिया, और एक्रोन के और अश्दोद के बचे हुए लोगों को भी ये सारी मदिरा जो है वो पिलाने के लिए कहा था। और आज हम देखते हैं कि हमास और इसराइल का जो युद्ध हो रहा है या पैलेस्टीनियंस के साथ जो संघर्ष इसराइल का चल रहा है, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो भी हो,
वो संघर्ष जो है वो यरूशलेम को ही लेकर के चल रहा है, जैसा कि यर्मिया और जकरिया के द्वारा पहले से ही हजारों साल पहले से ही इस बात को बताया गया था। उसके बाद यहाँ पर मोआबियों और अमोनियों के बारे में उनका भी नाम लिया गया है कि उनको भी ये मदिरा पिलाना। मोआबी और अमोनी जो हैं वो जॉर्डन देश के अंदर बाइबल के ज़माने में रहा करते थे, यानी यहाँ पे जॉर्डन देश के बारे में भी बताया गया है। और जॉर्डन जो है वो भी यरूशलेम को चाहता है, क्योंकि 1967 तक यरूशलेम जो है वो जॉर्डन के अधिकार के अंदर ही आया करता था, जॉर्डन का भाग ही हुआ करता था, जिसके ऊपर 1967 की 6 दिनों की लड़ाई में इसराइल ने यरूशलेम के ऊपर जॉर्डन को हरा करके कब्जा कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे सिदोन का नाम भी आया है, सिदोन यानी लेबनान का नाम यहाँ पर आया, और आज हिजबुल्ला के साथ जो इसराइल की लड़ाई चल रही है वो सिदोन, सोर और अलग अलग इलाके जो लेबनान के हैं वहीं पर ही वो लड़ाई चल रही है। साथ ही यहाँ पे ददानियों और तेमाइयों का नाम और बूजियों का नाम भी आया है, जो कि सऊदी अरेबिया और यमन का जो क्षेत्र बाइबल के ज़माने में हुआ करता था वहाँ पर रहा करते थे, यानी यमन के जो हूती संगठन के लोग हैं जो कि इसराइल के ऊपर निरंतर हमला कर रहे हैं ताकि यरूशलेम जो है वो पैलेस्टीनियंस के अधिकार में चला जाए। ये सब बावले हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जैसा कि जकरिया और यर्मिया के द्वारा भविष्यवाणियाँ की गई थी। और उसके बाद लिखा है अरब के सब राजाओं को भी ये पिलाना, यानी पूरा अरेबियन पेनिनसुला जो है, जैसे कि कतर है और ओमान है, कुवैत है, ये इसराइल के कट्टर दुश्मन इस समय बने हुए और पैलेस्टीनियंस के, और अगर हम अलग हटा करके बोलें तो विशेषकर हमास और हिजबुल्ला के कट्टर समर्थक ये बने हुए हैं और इसराइल का ये पूरी तरह से पुरजोर विरोध करने में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दो नाम और बताए गए हैं, कहाँ पर बताए गए हैं, 25वें वचन के अंदर जो दो नाम बताए गए हैं, हालांकि 3 नाम बताए गए हैं लेकिन मैं 2 नामों के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ पे 25वें वचन में लिखा है और जिमरी, एलाम और मादे के सब राजाओं को भी ये मदिरा पिलाना, सब राजाओं को, एलाम के और मादे के। मादे जो है फारस मादे जो हुआ करता था बाइबल के ज़माने में, मादे जो है वो स्पेसिफिकली उसी जगह के ऊपर पाया जाता था जहां पर आज ईरान देश की राजधानी तेहरान पाई जाती है, जहां पे तेहरान लोकेटेड है वहीं पर ही बाइबल के ज़माने के अंदर मादे जो है वो पाया जाता था। और यहां पे एलाम की बात की गई है, एलाम को आज के समय में ईरान देश के अंदर ईलम नाम से जाना जाता है, और अभी 2-3 दिन पहले ही इसराइल ने जब फाइटर एयरक्राफ्ट से ईरान के ऊपर हमला किया तो इसराइल के टारगेट के ऊपर तेहरान था और साथ ही साथ ईलम यानी एलाम भी इसराइल के टारगेट के ऊपर था और वहां पर उन्होंने भयानक तबाही मचाई थी। और ये जिमरी नाम की जो जगह यहां पर बताई गई है, जिमरी जो है वो भी ईरान देश का ही भाग बाइबल के ज़माने के अंदर हुआ करता था। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं क्या क्या बताया गया है, यहाँ पर हमास के बारे में बताया हुआ है, गाज़ा के बारे में बताया हुआ है, पैलेस्टीनियंस के बारे में बताया है, मिस्र के बारे में, यहूदियों के बारे में, लेबनान के बारे में, यमन के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, कतर, कुवैत, ओमान के बारे में यहाँ पर बताया है, जॉर्डन के बारे में बताया है, और इससे भी बढ़कर जोर देकर के यहाँ पर ईरान देश के बारे में बताया है कि इन सबको वो मदिरा पिला दे ताकि ये लड़खड़ाएंगे और ये यरूशलेम को लेकर के बावले हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि दूर उत्तर दिशा के राजाओं को भी ये मदिरा पिला दे, और दूर यरूशलेम को केंद्र मान करके भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां किया करते थे, और यरूशलेम की दूर उत्तर दिशा जो है वहां पर 2 देश स्पेसिफिकली बसे हुए हैं, एक है रशिया और दूसरा है अमेरिका। और आप देख सकते हैं रशिया जो है वो पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहा है, पूरी तरह से हिजबुल्ला का, सीरिया का साथ वो दे रहा है, पूरी तरह से रशिया जो है इसराइल के खिलाफ दुश्मनों का साथ दे रहा है, और अमेरिका जो दूर उत्तर दिशा का देश है, अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है, यानी कि यरूशलेम को लेकर के वो मदिरा जो है, भविष्यवाणी की मदिरा जो है वो
इन सब देशों को पिलाई गई थी। परमेश्वर ने कहा था इनको पिलाना ताकि ये बावले हो जाएंगे और लड़खड़ाएंगे। बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि शेषक के राजा को भी वो मदिरा जो है वो पीने पड़ेगी। 26वें वचन में लिखा है, और बाइबल के ज़माने में यहूदी रब्बी बताते हैं कि बेबीलोन को शेषक नाम के टाइटल से भी जाना जाता था, और इसीलिए यहाँ पर बेबीलोन यानी इराक के बारे में भी भविष्यवाणी दी हुई है। और हम देखते हैं कि इराक के अंदर भी जो आतंकवादी संगठन है वो निरंतर इज़राइल को टारगेट कर रहे हैं। ड्रोन हमलों से, रॉकेट हमलों से, मिसाइल हमलों से वहां से टारगेट किया जा रहा है। तो आज जो कुछ भी मध्य पूर्व के अंदर हो रहा है वो बाइबल की भविष्यवाणियों के नजरों से छिपा हुआ नहीं है। साफ तौर से एक एक देश का नाम बताया हुआ है कि उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि यरूशलेम को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व होंगे, उन सब के नाम यर्मिया के द्वारा बताए गए हैं। साथ ही साथ यहां पर बताया हुआ है यर्मिया ने कि ये मदिरा जब वो लोग पी लेंगे, जो परमेश्वर की ओर से भेजी गई मदिरा होगी, जो दंड की मदिरा होगी, क्योंकि लिखा है जो यरूशलेम को उठाने का प्रयास करेंगे, जो उसको छीनने का प्रयास करेंगे, मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वो घायल हो जाएंगे। तो जब ये मदिरा ये लोग पी लेंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यर्मिया के द्वारा यहां पर बताया हुआ है 27वें वचन में। 25 अध्याय के 27वें वचन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यों कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलवाऊंगा। यहां पर स्पेसिफिकली बताया परमेश्वर कहता है पियो, गिर पड़ो, मतवाले हो जाओ, उल्टियां करो, तबीयत खराब कर लो, अपनी जान गंवा दो, लेकिन तुम इस मदिरा को तो तुमको पीना ही पड़ेगा। यहां पर स्पेसिफिकली इस बात को बताया हुआ है। और साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि जब ईरान बार बार इसराइल के ऊपर मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से जब हमला करता है, तो यरूशलेम के ऊपर भी हमला किया जाता है। हिजबुल्ला के कई सारे रॉकेट जो हैं, हमास के कई सारे रॉकेट जो हैं, वो यरूशलेम के ऊपर भी आकर के गिरते हैं, जबकि उनको यरूशलेम चाहिए। तो यरूशलेम के ऊपर जब इतना हमला हो रहा है, यरूशलेम के ऊपर संकट छाया हुआ है, परमेश्वर इस बारे में क्या कहता है, इस एंड टाइम कॉन्फ्लिक्ट में यरूशलेम के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है, 29वें वचन के अंदर यर्मिया ने बताया है। यहां पे लिखा है, देखो जो नगर मेरा कहलाता है यानी यरूशलेम, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे। यहां पे परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बता दिया था कि विपत्ति की आंच जो है वो यरूशलेम के ऊपर आएगी ही आएगी अंत के दिनों में। और आज हम वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं कि यरूशलेम के ऊपर विपत्ति की आंच आई हुई है। परमेश्वर कहता है कि जब मैं विपत्ति डालने लगूंगा, तो मैं मेरे नगर यरूशलेम के ऊपर ही जब विपत्ति डालूंगा, तो फिर जब मैं अपने नगर के ऊपर ही विपत्ति डाल सकता हूं, तो तुम क्या मेरे दंड से बच पाओगे। परमेश्वर ने इस बात को यहां पर बताया था। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमको मध्य पूर्व के अंदर, इसराइल के अंदर हमको होता हुआ, घटित होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि यहूदी रब्बियों की बात की जाए, तो यर्मिया के 25 अध्याय के ऊपर जो रबैनिकल कॉमेंट्रीज हैं, यहूदी रब्बियों की जो कॉमेंट्रीज हैं, वो इस बात को बताती हैं कि यहाँ पर एक मदिरा के बारे में बताया हुआ है जो दुनिया के देशों के लोगों को पिलाई जाएगी, राजाओं और हाकिमों को पिलाई जाएगी। यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि मदिरा यानी शराब पीने के बाद क्या होता है। यहूदी रब्बियों का कहना है कि शराब पीने के बाद दो काम एक इंसान के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो बहुत ही ज्यादा शराब जब उसको चढ़ जाती है, तो या तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है, उसको दूसरों के ऊपर प्यार आने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और या फिर वो बहुत ही ज्यादा बहादुर बन जाता है। चाहे वो कायर हो, चाहे वो डरपोक हो, चाहे उसके अंदर ताकत ना हो, लेकिन शराब पीने के बाद वो बहादुर बन जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, और उसका सारा कायरपन जो है वो दूर हो जाता है।
और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यर्मिया के 25वें अध्याय में इसी बात को बताया गया है कि दुनिया के देशों को ये मदिरा जो पिलाई जाएगी, ये शराब जो पिलाई जाएगी, जो परमेश्वर की ओर से दंड की शराब होगी, ये इसी प्रकार का काम करेगी कि ये एक तरफ तो इमोशनल कर देगी। आज देखिए यहूदी और पैलेस्टीनियंस यरूशलेम को लेकर के इमोशनल हो रखे, क्योंकि वो शराब उन्होंने पी हुई है जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता को दी गई थी, और इसलिए वो इमोशनल हो रहे हैं। ईरान के जो राजा और हाकिम हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं कि कैसे पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अमेरिकन्स जो हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं कि यहूदियों के साथ हमास ने क्या किया है। दूसरी तरफ गाजा में जब इसराइल हमले कर रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, तो जो दूसरे देशों के लोग हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि उनको वो मदिरा पिलाई जाएगी, और मदिरा पीने के बाद पहला काम जो होता है वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, दूसरा काम जो होता है वो बहादुर बन जाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमास को पता था कि यदि उसने इसराइल को छेड़ा तो इसराइल इतना जबरदस्त पलटवार करेगा कि हमास नहीं बच सकता है। उसके बावजूद हमास ने इसराइल के साथ 7 अक्टूबर 2023 को जो किया, उसका खामियाजा जो है आज के पैलेस्टीनियंस को भुगतना पड़ रहा है। और हिजबुल्ला को भी पता है कि वो इसराइल को नहीं हरा सकता है, ईरान को भी पता है कि वो इसराइल को नहीं हरा सकता है, सीरिया को, इराक को, यमन को भी पता है कि वो इसराइल को नहीं हरा सकता है, लेकिन वो जो डरपोक लोग हैं वो जानते हैं कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सामने वाले को हरा दें, लेकिन जैसे एक शराबी शराब जब उसको चढ़ जाती है तो वो अपने आप को ताकतवर से ताकतवर आदमी के सामने बहादुर समझने लगता है, ताकतवर समझने लगता है। बिल्कुल वही हाल जो है वो आज हमको इन देशों का देखने को मिल रहा है। तो बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर आज का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, पूरा सिनेरियो जो चल रहा है, इसके बारे में डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि क्या होने जा रहा है। और आप देखिए कि दुनिया के देशों ने ये जो मदिरा पी हुई है, इसके अंदर बलि का बकरा जो है वो पैलेस्टीनियंस बन रहे हैं। ईरान को अपनी चिढ़ और अपनी नफरत इसराइल, अपनी दुश्मनी इसराइल से निकालनी है, उसने पैलेस्टीनियंस को बलि का बकरा बना दिया। कोई उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। क्या कोई देश ऐसा नहीं है जो उनको बचाने के लिए आ जाए? तुर्की देश जो है वो पैलेस्टीनियंस को भड़का रहा है, लेकिन उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है सामने के लिए। कोई भी देश नहीं आ रहा है, मिस्र नहीं आ रहा है, सिर्फ उनको भड़काया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनको मरवाया जा रहा है, उनके मासूम बच्चों को मरवाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने उस मदिरा को पिया हुआ है। तो जो आज मध्य पूर्व में हो रहा है वो इस बात का संकेत हमको प्रदान कर रहा है कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और अभी इसराइल और ईरान के बीच ये मतभेद और भी ज़्यादा चरम के ऊपर जाएगा, और जब ये चरम के ऊपर जाएगा तब हम यहेजकेल 38 अध्याय में, इजिकेल 38 चैप्टर के अंदर जो भविष्यवाणियां हैं उनको पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। यहेजकेल के 37वें अध्याय से निकलकर हम 38वें अध्याय के अंदर अब प्रवेश कर चुके हैं। जिस दिन ईरान ने अप्रैल के महीने में इसराइल के ऊपर हमला किया था, ठीक उसी दिन हमने यहेजकेल की पुस्तक के 37वें चैप्टर को छोड़ करके हम यहेजकेल की पुस्तक के 38वें चैप्टर के अंदर उतर गए थे वहीं से ही। और अब जैसे जैसे ये चीजें एस्केलेट होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, आपको यहेजकेल 38 अध्याय की भविष्यवाणियां अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए दिखाई दे जाएगी।